चोरी कर रहे हैं ना मोदी जी के कहने पे, SBI के जो ऑफिसर्स हैं वो मोदी जी के कहने पे चोरी कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, क्राइम कर रहे हैं। 5 मिनट लगते हैं क्योंकि सब उसमें है, ये सब कंप्यूटर में है और 5 मिनट लगते हैं उसमें। काफ़ी बड़ा चंदा है सर, बहुत सारी पार्टियां हैं, वो सब 5 मिनट लगते हैं, कंप्यूटराइज्ड है सारा, जो SBI का सारा अकाउंट है वो कंप्यूटराइज्ड। कुछ लोग कह रहे हैं कि काले लोगों की भी सूची हो सकती है, जो काला धन जिनके पास, काले जो जिनके पास भी 2 नंबर का पैसा है उसी की तो सूची है उसमें, इसीलिए तो मोदी जी छुपा रहे हैं उसे, क्योंकि उनके सारे मित्रों की रिपोर्ट आ जाएगी उसमें। SBI क्यों छुपाएगा सर इन नामों को? SBI नहीं, SBI के भ्रष्ट ऑफिसर छुपा रहे हैं मोदी जी के कहने पर, ये सीधी सीधी बात। तो इतने लेट जो कर रहे हैं इसका क्या रीज़न हो सकता है? इसीलिए कर रहे हैं ना कि अब ये चुनाव निकल जाए, EVM से चुनाव करा लें, उसके बाद EVM से हुए चुनाव तो फिर उनको ये भरोसा है कि हम EVM से चुनाव करा के ये सब चीज़ें कभी दिखाएंगे ही नहीं दुनिया को, इसलिए इस बार 400 पार है, तीसरी बार मोदी सरकार। EVM से 400 पार है, EVM से जो भी पार है वो EVM से पार है, EVM खत्म तो फिर 40 भी पार नहीं होगा। 2019 में कहा था कि 300 पार हो गई थी उनकी, EVM से हो गई थी ना तब भी, आज भी EVM से ही, EVM के बगैर कुछ नहीं होगा उनका। लेकिन सबसे बड़ी पार्टी बन गई देश में BJP, दुनिया भर की सबसे बड़ी से, तो दुनिया भर में क्या जो अंतरिक्ष में की भी सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है, 100% से भी ज्यादा वोट आ सकते हैं EVM के माध्यम से। तो बहुत बड़ा कुनबा हो रहा है BJP का, कांग्रेस के जो लोग अंदर है कुनबा सारा, EVM के बाहर शून्य है, EVM के बाहर सब शून्य है। क्या तो डर है इन लोगों जो टूट टूट के BJP में जा रहे हैं? हाँ डर ही है ना, ED CBI ये सब डराने के लिए तो इन्होंने गुंडों की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है ना इन सब संस्थानों को। 2019 में कहा था कि मैं भी चौकीदार, इस बार कह रहे हैं कि मेरा परिवार, 140 करोड़ लोग जो है हैशटैग चला रहे हैं। मोदी जी का परिवार सिर्फ एक है, EVM, उसके अलावा उनका कोई परिवार नहीं है, EVM के माध्यम से ही वो सारी चीज़ें सारे इलेक्शन जीतते हैं। जो पोस्टर छापे गए हैं दिल्ली में, मोदी जी का फोटो है उसमें और विजय माल्या का फोटो है, वो सब एक बड़ा पोस्टर अभियान चला गया दिल्ली में, रात में पोस्टर लगाऊँ कि आप कोई फोटो मत छापो, प्लेन पेपर छाप दो, EVM से चुनाव कराओ, मोदी जी जीतेंगे, मोदी जी की भी जरूरत नहीं है EVM में, तो मोदी जी के फोटो की भी जरूरत नहीं, किसी चीज़ की जरूरत नहीं। SBI ने नहीं, SBI के उन भ्रष्ट अधिकारियों ने जो मोदी जी के इशारे पे काम कर रहे हैं, उन्होंने ये अपराध किया है, और ये अपराध है कोर्ट से चीज़ें छुपाना, और ये PMLA का अपराध है, ये एक बहुत बड़ा देश के साथ अपराध SBI के वो ऑफिसर्स कर रहे हैं जो ये चीज़ छुपा रहे हैं, जो कि 5 मिनट में दिखाई जा सकती है, 5 मिनट में बताई जा सकती है, वो छुपाया जा रहा है, तो ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। SBI नहीं, SBI के भ्रष्ट अधिकारी, क्योंकि वो मोदी जी के इशारे पे काम कर रहे हैं, अगर ये सूचनाएं मिल जाएंगी देश में किसी को या देश के सामने आ जाएंगी तो मोदी जी को जेल जाना पड़ेगा, अमित शाह जी को जेल जाना पड़ेगा, नड्डा जी को जेल जाना पड़ेगा और मोहन भागवत जी को जेल जाना पड़ेगा, इसलिए ये छुपाया। गैरकानूनी, अभी सुप्रीम कोर्ट ने बताया ना, गैर संवैधानिक, गैर कानूनी है ये, और उसके करने के बाद ED की रेड मारने के लिए मजबूर हो जाएगी, ED भी मोदी जी के घर पे रेड मारने के लिए मजबूर हो जाएगी, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। जो काम 5 मिनट में हो सकता है, जिस काम के 5 मिनट के 3 हफ्ते ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने दे दिए थे, उसको ना देना, चुनाव के बाद देना, वो क्या दिखाता है? इसीलिए हम सब लोगों से बोल रहे हैं बार बार कि असली मुद्दा है EVM का मुद्दा, किसी से नहीं डरेगी सरकार, किसी चीज़ से नहीं डरेगी जब तक EVM से चुनाव हो रहे हैं। तो हम लोगों को 11 तारीख को, हम अभी अनाउंसमेंट भी करने वाले हैं, हम 11 तारीख को सुप्रीम कोर्ट पे लॉयर्स प्रोटेस्ट भी करेंगे बड़ा, वो लगाएंगे नहीं, चोर की चोरी बताने पे तो चोर के हाथ में जो ताकत में होगा वो करेगा, चोर की सबसे बड़ी चोरी तो EVM ही है। डॉक्टर रितु के ऊपर तेजाब का हमला क्यों करा, कराने की शक्ति कहाँ से आ रही है? EVM से। बेरोजगारों के ऊपर हमले कराने की कहाँ से शक्ति आ रही है? EVM से। ये जो किसानों के ऊपर गोली चलवाने की शक्ति कहाँ से आ रही है? EVM से। जो भी देश में अत्याचार, 4000 किलोमीटर चाइना को छिनवाने की शक्ति कहाँ से आ रही है? EVM से। हर जो देश में पाप मोदी जी कर रहे हैं उसकी शक्ति तो उनके पास EVM से ही आ रही है ना। अब क्या लग रहा है सर, सुप्रीम कोर्ट टाइम देगा या फिर क्या? देखिए, मैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में पहले भी बोल चुका हूँ, टाइम देने का कोई औचित्य 3 हफ्ते का पहले भी नहीं था, हम लोगों ने तब भी कहा था ये 5 मिनट का काम है, 5 ही मिनट लगाने चाहिए थे। अभी 11 तारीख की हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट को, जो मैं अंदाज़ा ही लगा सकता हूँ, अगर के कोई मैं सुप्रीम कोर्ट का जज होता तो मैं क्या करता, मैं पहले SBI के चेयरमैन को बुलाता, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बुलाता और वहीं से उनको बोलता कि हम लोग 5 मिनट होल्ड कर रहे हैं, अपने ऑफिसर्स को बुलाओ यहाँ पे, लैपटॉप लेके, वाईफाई यहाँ लगा हुआ है, बढ़िया इंटरनेट काम करता है, ये सारा का सारा, ये रहा प्रिंटआउट, निकाल के अभी हमें दो 5 मिनट में, नहीं तो यहीं से तिहाड़ जेल जाने की तैयारी करो। अगर मैं सुप्रीम कोर्ट का जज होता तो ये करता। अब क्या होगा ये दुनिया के सामने, मैं शास्त्री जी तो हूँ नहीं वो बागेश्वर धाम वाले के फ्यूचर बता सकूँ, लेकिन अगर मैं सुप्रीम कोर्ट का जज होता तो मैं यही करता, और एक 5 मिनट में सारी आती और साथ के साथ ED वालों को बुलाता कि ये लो सबूत सारे, और इससे बड़ा कुछ मतलब नहीं है, और चुनाव आयोग को बुलाता कि अगर ये लोग, ये अगर इलेक्टोरल बॉन्ड्स के साथ इतना बड़ा फ्रॉड
ये इलेक्शन कमीशन कर सकती है, तो ईवीएम के साथ भी यही करेंगे। आप आज के आज ईवीएम भी बैन, 11 तारीख को मैं सब काम कर देता अगर मैं सुप्रीम कोर्ट का जज होता। ईवीएम खत्म करने का टाइम बहुत है, उसके लिए हम कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आप सब लोग आइएगा, मैं आपको कानूनी पोजीशन दिखाऊंगा। बैलेट पेपर से ही होने चाहिए, ईवीएम से नहीं होने चाहिए, ये कानून के बारे में हम कल 4 बजे अपने ऑफिस से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको पूरा नोट बना के देंगे सबको, पूरी प्रेस को। ईवीएम अगर इस तरफ आ गई ना, ईवीएम हट गई, तो 40 पार के दावे भी नहीं कर पाएंगे मोदी जी, मैं आपको गारंटी, ये मेरी गारंटी है। परिवार की बात कर रहे हैं, बोल रहे 140 करोड़ मेरा परिवार है और वही मुझे जिता के वापस भेजेगा। बिल्कुल, 80 करोड़ परिवार को, 5 परिवार के लोगों को 5 किलो अनाज का मोहताज बनाने के बाद मोदी जी यही तो कहेंगे। ये सब ढकोसला है, ये सब जो लाखों करोड़ रुपए पब्लिसिटी पे खर्च किए जा रहे हैं परिवार बताने के लिए और सब बताने के लिए, वो सब फ्रॉड है। ईवीएम ही मोदी जी का परिवार है और कोई परिवार नहीं है, सिर्फ एक ईवीएम मोदी जी का परिवार है। और मोदी जी के परिवार में कितने उनके स्वयं के जो खास परिवार वाले थे उनके साथ भी क्या हशर करते हैं मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, किसी दिन आराम से बताऊंगा। वो परिवार वाले अगर मुझे वकील कर लेना तब मैं मोदी जी को बता दूंगा कि कौन सा परिवार के साथ ऐसा काम करने से क्या अंजाम होता है भारत के संविधान और कानून के तहत, लेकिन वो परिवार वालों ने मुझे वकील नहीं किया, मोदी जी की बहुत अच्छी किस्मत है। मैं ईवीएम का विरोधी हूँ और मैं ईवीएम का विरोधी हूँ, तो इसलिए मोदी जी का परिवार ईवीएम है और मैं ईवीएम का विरोधी हूँ। क्या सर मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरीके की बातें की जा रही हैं? मुद्दा ही एक है ना ईवीएम, और कोई मुद्दा ही नहीं है, बाकी सारे मुद्दे इसी में है। क्यों भटक रहे हैं? आप तो चुनाव जीतोगे ना, कोई ईवीएम से थोड़ी जीतोगे, है ना? तो फिर आप पेपर बैलेट से चुनाव करा लो, तब भी तो जीतोगे, आप नहीं करा रहे। यही दुनिया के सामने सबसे बड़ा सबूत है कि कानून यही है कि पेपर बैलेट से चुनाव होने चाहिए, लेकिन फिर भी आप ईवीएम से करा रहे हो, यही दुनिया का सबसे बड़ा सबूत। जनता से डर क्यों रहे? ईवीएम है ना उनका परिवार, जनता की अगर सारी वोटें भी उनके खिलाफ पड़ जाए, 63% लोगों ने पिछली बार भी ईवीएम के बाद भी उनके खिलाफ वोट दिया था ना, तो उनको डर ही नहीं है ना। सर आप भी जानते हैं ईवीएम नहीं हटेगी, मोदी जी का असली परिवार सिर्फ ईवीएम है, कुछ और भी छापना बेवकूफ़ी है। सर आप भी जानते हैं ईवीएम नहीं हटेगी, तो फिर इसके पीछे? मैं जानता हूँ पेपर बैलेट से चुनाव होगा, ईवीएम से नहीं होगा, मैं ये जानता हूँ। होगा सर ये बताइए ना, मैं अभी बता रहा हूँ ना, कल हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएंगे, कानून ये कहता है, आज का कानून बैलेट से ही होगा, ये भारत का कानून कहता है। सर आपके कहने से तैयारी में पेपर बैलेट से चुनाव, देखिए मैं वही बता रहा हूँ, चुनाव आयोग तैयारी कर रहा है कानूनी रूप से चुनाव कराने के लिए, और कानूनी रूप से चुनाव जो है पेपर बैलेट से होते हैं। ये मैं आप तो कई महीने पहले बैन करवा रहे थे, ईवीएम अभी तक भी नहीं हुई है। नहीं, हमने तो 5, वैसे तो हम कई सालों से बोल रहे थे, लेकिन अब पॉलिटिकल पार्टीज को भी ये समझ में आ गई। 5 जनवरी को हमने पहला मार्च किया था इलेक्शन कमीशन के ऊपर, उसके बाद आप देख लो क्या हो रहा है। आपके साथियों ने प्रस्ताव रखा था कि बिहार में बड़ी रैली हो रही है, वहां से ईवीएम की बात उठनी चाहिए, वहां से तो नहीं उठी सर? देखिए हम अपने साथी और हम वो काम कर रहे हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज अभी नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि वो दूसरे कामों में बिजी हो सकती हैं, या वो इतने मुखर रूप से अभी मोदी जी के इतने बड़े झूठ का सामना करने के लिए अपने आप को तैयार नहीं कर पा रहे। लेकिन सारी पॉलिटिकल पार्टियां इन प्रिंसिपल हमारे साथ हैं, इंक्लूडिंग बीजेपी, वो भी अब से पहले ईवीएम का विरोध कर चुके हैं।